हमें हमें जीत हम पूरे डे वन से आश्वासित थे क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी, हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोज़गारी को मुद्दा बनाया, जो तथा कथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो ज़मीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विजन लेकर गए हैं। और इसलिए जनता ने वहाँ से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ तीनों और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। और आने वाले समय के लिए हमको मिलकर काम करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वन ऑफ मैनशिप की बात है। पार्टी डायरेक्शंस पे भी आगे चलेंगे और प्रदेश के लिए भी प्रतिभा सिंह जी एक सकारात्मक सोच के साथ, जैसे वीरभद्र सिंह जी ने सब लोगों को साथ लेकर आगे चले, वैसी तरह आगे चलेंगी, सबका विश्वास जीतेंगी, यहाँ की आवाज़ को मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगी, लोकसभा में रखेंगी और आने वाले समय के लिए प्रदेश के हर मसले को हम मजबूती के साथ हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे और प्रतिभा सिंह जी लोकसभा के अंदर उठाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती थी क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार केंद्र में है और ऐसे में मुद्दे जो हैं वो देखिए, चुनौती इसलिए नहीं थी क्योंकि ये जनता के मुद्दे हम जानते थे और जनता हमारे साथ थी। जनबल उनके साथ नहीं था, धनबल उनके साथ था, मगर जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ था, प्रतिभा सिंह जी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ था। वीरभद्र सिंह जी द्वारा किए हुए अभूतपूर्व विकास कार्य मंडी के अंदर है और उनको हम आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। सकारात्मकता से हमने आगे बढ़ना है, युवाओं का आशीर्वाद देना है, युवाओं का समर्थन प्राप्त करना है, महिलाओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमने प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध। सर, इस जनादेश को क्या माने कि 2022 के लिए भी एक रास्ता जो है वो बनाएगा ये वाला जनादेश? ये टिप्पणी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस पे करेंगे, मेरा कुछ इस पे कहना उचित। युवाओं का इस बार काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा और मतदाता जो है नए वोटर्स भी काफ़ी आगे आए हैं इस बार, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या लगता है आपको किस सोच के साथ जो है उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास जताया और बीजेपी को निकाला? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस, जिस तरीके से भाजपा ने युवाओं को ठगा कि हम आपको नौकरियां देंगे और हम आपको हिमाचल में जो है 10 लाख नौकरियां दे देंगे, प्रदेश देश में 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, प्रदेश में कोई नौकरियां नहीं मिली, प्रदेश में महंगाई की चरम सीमा पे पहुंची हुई है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, युवाओं को अपने घर से दफ्तर जाने के लिए,